चलो ओके, कल हमने क्या किया था? सेल्स बुक, आज क्या कर रहे हैं? परचेज बुक, ठीक है। पेज नंबर क्या है? 148। शॉर्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं, है ना। पहले शॉर्ट एग्जाम्पल अच्छे से सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अनसॉल्व भी कर लेंगे एक्सरसाइज के। क्वेश्चन देखो अभी, प्रिपेयर कैश बुक इन द बुक्स ऑफ नोहा ट्रेडर्स। तो किसकी बुक में काम कर रहे हैं हम लोग? नोहा ट्रेडर्स, ठीक है। क्रेडिट बुक के बारे में मैंने क्या बताया था आप लोग को? कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे? ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वो भी किसका? गुड्स का। अगर क्रेडिट देखो, कैश बुक में हम लोग कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? कैश ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन है कैश में है, कहाँ जाएगा? कैश बुक में जाएगा। क्रेडिट बुक में कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? सिर्फ गुड्स का, वो भी उधारी पे, ठीक है। और अगर समझो उधारी पे फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर गुड्स तो नहीं है, एसेट्स है। तो फर्नीचर अगर खरीदा उधारी पे, तो उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि क्रेडिट है ना। अब इसमें भी क्रेडिट बुक में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर। वेरी गुड, नाम याद है तुम्हें। क्रेडिट बुक, ठीक है। क्वेश्चन देखो अभी, ट्वेंटी ईयर क्या है? 2019 अप्रैल 1st। क्या ट्रांजेक्शन है? परचेज गुड्स फ्रॉम मिसेस कमल 1000 ऑन क्रेडिट। तो गुड्स खरीदा है और क्रेडिट पे खरीदा है, इसके लिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे नाम किसका आएगा? मिसेस कमल 1000, ठीक है। इनवॉइस नंबर क्या है? 4। फिर चार तारीख को देखो क्या है, परचेज गुड फ्रॉम साक्षी फॉर कैश 2500। साक्षी से गुड्स खरीदा, लेकिन कैसे खरीदा? कैश में। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है, परचेज मशीनरी फ्रॉम मशीनरी टूल्स कंपनी ऑन क्रेडिट। तो मशीन खरीदा है यहाँ पे, गुड्स खरीदा है क्या? क्रेडिट पे खरीदा है, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट बुक में, लेकिन क्या खरीदा है? मशीन, गुड्स नहीं। फिर भी रिकॉर्ड नहीं होगा, कहाँ रिकॉर्ड होगा? जनरल प्रॉपर। फिर उसके बाद अगला क्या है? 8 तारीख, परचेज गुड्स फ्रॉम सौरभ ऑन क्रेडिट 2000। तो सौरभ से खरीदा, सौरभ कितने का माल खरीदा? 2000, ठीक है। इनवॉइस नंबर क्या है? 10। फिर 10 तारीख को क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम ऐश्वर्या ऑन क्रेडिट 5000। ऐश्वर्या कितना, क्या डेट है? 11/3। इनवॉइस नंबर टोटल यहाँ पे करेंगे कितना होगा? क्लियर? कोई डाउट? ओके, अब हम लोग कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर क्या है? 149। शॉर्ट एग्जांपल हम कर रहे हैं, याद रखो। ठीक है, अब इसमें देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन परचेज बुक ऑफ कॉनिका इलेक्ट्रॉनिक्स। किसकी बुक में काम कर रहे हैं हम लोग? कॉनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसमें लेजर में भी पोस्ट करने बोला, बट हमारा मेन मकसद क्या है आज, क्या सीखना है हमें? परचेज बुक कैसे लगा, ठीक है। लेजर तो अपने को आ जाएगा 2018 अगस्त, यहाँ पे 2018 अगस्त,
तीन तरह का ट्रांजेक्शन देखो क्या परचेज फ्रॉम मैसेज सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स इनवॉइस नंबर 2250 20 मिनी साइज मोबाइल एट द रेट 2000 पर पीस 12 होम थिएटर्स एट द रेट 4500 पर पीस एंड 20% TD ठीक है तो सिंपल है किससे हमने खरीदा मैसेज सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है क्या क्या खरीदा अभी दो तीन आइटम है ना तो एक साथ देख लेते हैं 2250 इनवॉइस नंबर है हमने मोबाइल खरीदा है ठीक है कितना मोबाइल खरीदा 20 एक पीस का रेट क्या है 2000 तो कितना हो जाएगा इसका 2 2 4 तीन और एक 40 ऐड हो जाएगा और क्या खरीदा होम थिएटर ठीक है ये कितने क्या खरीदा हमने 12 होम थिएटर्स खरीदे हमने और एक होम थिएटर का रेट क्या है 4500 ट्वेल्थ फायदा जब ये 2 0 पहले लिख लो 12 फायदा 60 6 कैरी क्या 12 48 और 6 54 54 ठीक है इन दोनों को ऐड करके दिया हो जाएगा 94,000 अब इसमें TD कितना बोला लेस TD एट द रेट 20% तो 94,000 का 20% देखो 94,000 का 10% कितना होएगा 9,400 तो 20% कितना होएगा इसका डबल है ना 9980 18,800 सिंपल है अभी 18,800 इसमें से माइनस कर लो कितना आ रहा है 200 13 में से ऐड किया 5 8 6 11 7500 तो हमने कितने का माल खरीदा 75 किसके पास से सीमा इलेक्ट्रॉनिक के पास कुछ समझ में आया नेक्स्ट 10 तारीख परचेस फ्रॉम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है इनवॉइस नंबर 2860 क्या खरीदा हमने 100 प्रिंटर्स खरीदे पेन ड्राइव्स 100 इंटू एक पेन ड्राइव कितने का है 210 तो 210 में 100 ऐड कर दो मतलब उसके 20 ऐड कर दो तो ये होगा 21,000 इसमें से क्या करोगे लेस TD कितना बोला है एट द रेट 10% तो 10% TD इसका कितना होएगा 2100 1000 में से 100 गया 900 10 में से जो गया 8 18,900 फिर 16 पे आ जाओ परचेस फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स 2456 ठीक है 15 स्टीरियो 15 एक स्टीरियो कितने का है 4200 ठीक है कितना हो जाएगा 15 00 00 और 15 2 30 तीन के लिए क्या 15 60 प्लस 3 63,000 फिर उसके बाद हमने क्या किया कलर LCD यानी LCD खरीदा है ना और LCD का रेट क्या है कितना LCD खरीदा 20 एक का रेट क्या है 14,000 42 का कितना होगा 28 कितने जीरो होते हैं 4 1 2 3 6 3 और 0 3 8 6 14
43। अब इसमें से क्या लेस करना है, टीडी कितना बोले 12.5 लेस टीडी एट द रेट 12.5%। 12.5 है ना, तो पॉइंट में अगर परसेंटेज तो कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हम सिंपल वे में करेंगे। कोई भी वैल्यू ओरिजिनली कितनी होती है 100%, है ना। तो 343, तो 100% का 10 कम करोगे तो 10% हो जाएगा, तो यहाँ से भी 10 कम करो तो ये कितना होगा 34,300, है ना, 10 कम हो गया दोनों साइड से, ठीक है। तो 10% का हाफ क्या होता है 5%, तो इसका हाफ कितना होगा 300 का हाफ कितना होगा 150, और 34 का हाफ कितना होगा 17,000, है ना, तो 17,150। अब 5% का हाफ क्या है 2.5, है ना, तो इसका हाफ कर लो 150 का हाफ कितना आएगा 75, है ना, और 17,000 का 17 का हाफ क्या होता है, ठीक है 8.5 यानी 8.5, ठीक है, ऐसा समझे, या फिर 2 से डिवाइड कर दो तो भी आपको हाफ मिल जाएगा। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको क्या बचा अभी 10% और 2.5% कितना होगा 12.5%, सिंपल है। इसमें इसको ऐड कर दो ना 75, 503, 8, 408, 12, तो 12.5% कितना है 42,875। और इसमें से माइनस करो 9 में से 7 क्या दो 1,003, 3,125 आया क्या, तो 3,125 समझ में आया कुछ। नेक्स्ट 16 हो गया, अभी 26 को देख लेते। परचेस फ्रॉम सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या परचेस किया हमने 3,394, 10 मिनी साइज LCD, ठीक है, तो LCD 10 क्या रेट है 8,000, तो 10 × 8,000 कितना होगा 80,000, है कि नहीं। अब आता 6 LED, LED कितना खरीदा 6, एक LED का कीमत कितना है 12,000, तो 12,500 का 2 गुना 25 से 75,000 होगा मेरे ख्याल से, देखो बार, तो ये हो जाएगा 1,55,000। अब इसमें से क्या माइनस करोगे TD कितना बोला है, तो लेस 20% कौन सा डी TD, तो इसका 20% कितना होएगा 15,500, है ना, 1,55,000 तो 15,500 10% होगा और 15,500 बाकी का 10% तो कितना होगा 20% 31,000, ठीक है, 11th को इतना कैलकुलेट करने आना चाहिए आप लोगों को, 31,000 1,24,000 आया क्या, देखो 1,24,000, फिर लास्ट है 39, क्या आ रहा है 29 नहीं आएगा, ठीक है चेक करते हैं। देखो अभी 29 को क्या बॉट फ्रॉम पवन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 29 पवन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या इनवॉइस नंबर है 2960, क्या खरीदा है इसके पास में 50 पेन ड्राइव्स, पेन
ड्राइव्स कितना 50 क्या रेट है 210 है ना तो 20 तो पहले आ जाएगा फिर 5 और 5 दूसरा क्या होगा 10 तो 10,500 इसमें से क्या लेस करोगे टीडी कितना है 20% तो 10,500 का 20% इंटू 20% 20 कैंसिल 20 + 0 = 5 = 10 1 के जी क्या 2 + 0 = 0 + 1 = 2 2100 तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 8,400 ठीक है यहाँ पे आएगा 8,000 अब इसके बाद फाइनली क्या करना है हमें इन सब का टोटल देना टोटल कितना है ठीक है टोटल बुक से आ जाएगा तो बुक में दिया हुआ है ठीक है देख सकते हैं फाइनल 26,000 ठीक है